हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे और ये जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है वो ब्लू बॉक्स और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दोनों हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बर्न बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले, मीन्स एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, किस लिए? वाई, इसलिए कि उसमें जो ऑक्साइड की लेयर है या मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है, उस कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या करते हैं? साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जब एयर में प्रेजेंट होता है तो वो रिएक्ट हो जाता है। और कौन सी लेयर बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है। इसलिए उसको हटाने के लिए, उस लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। दूसरा हमारा है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। सफेदी करने के लिए एक सब्सटेंस एक्स है, उसका सॉल्यूशन यूज करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स का सॉल्यूशन, तो एक्स एक सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन मींस रिएक्ट विद वाटर, किसके लिए यूज होता है? सफेदी करने के लिए यूज होता है। तो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? जो सब्सटेंस एक्स है वो हमारा क्या है? CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है सेकंड पार्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स। एक्स का रिएक्शन मीन एक्स का किसके साथ? वाटर के साथ, H2O। तो क्या बनाएगा ये हमने रिएक्शन बताना है। तो यहां पर एक्स की जगह क्या आएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर हमारा आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस प्लस में हीट, और साथ में क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है। ये ट्रायंगल का जो सिंबल है इट इज यूज फॉर हीट, इट मीन रिलीजिंग हीट। तो इसका मतलब हीट रिलीज कर रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम, स्लेक लाइम बोलते हैं। इट इज नोन एज स्लेक लाइम विच इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये सोल्यूशन व्हाइट वॉश है, लेकिन एक्चुअल में जो व्हाइट वॉशिंग के लिए सब्सटेंस यूज होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम, LIME। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब। हमने एक्टिविटी पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, मीन्स 2H2O। वाटर में जब हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वाटर सोल्यूशन और थ्रू अ वाटर, तो इट डिकम्पोज। करंट की प्रेजेंस में बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट ये वाटर डिकम्पोज होता है और क्या देता है? टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करना और उसको क्या करना? डिकम्पोज करना, तोड़ना। तो डबल द अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। कौन सी गैस डबल कलेक्ट होती है दूसरे से? तो हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड, जो हाइड्रोजन गैस है, नेम द गैस। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड डबल, इज कलेक्ट डबल, इज कलेक्टेड डबल अमाउंट देन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन। वाई, क्यों? बिकॉज 2 मोल ऑफ वाटर ऑन डिकम्पोजिशन गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिकम्पोज होने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस के और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का रिलीज होता है, फॉर्म होता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से डबल कलेक्ट होती है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ? तो
हमें पता है कि ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें क्या हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का उसमें ऐड हो जाए। और रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें बताएंगे कुछ फर्स्ट पार्ट में, एन ए सोडियम प्लस रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट गिव्स एन ए टू ओ, और ये यहां पर क्या आएगा टू। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, एन ए से क्या बन गया एन टू, एन ए टू ओ सोडियम ऑक्साइड, ये क्या होगा सोडियम से सोडियम ऑक्साइड, मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो इसका मतलब ये जो सोडियम है रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बन जाएगा ऑक्सीडाइज, कौन सा हुआ ऑक्सीडाइज, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ एन ए, एन ए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, जो एन ए रिएक्टेंट में था प्रोडक्ट में वो एन ए टू हो गया, और यहां पर जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था वहां से ऑक्सीजन क्या हो गया गायब हो गया और किसमें जुड़ गया जाके सोडियम में जुड़ गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इज ऑक्सीजन, वो क्या हो गया ऑक्सीजन, और ये सोडियम मीन्स ओ टू रिड्यूस हो गया और एन ए ऑक्सीडाइज हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है सी यू टू ओ, सी यू ओ प्लस में एच टू कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक इन कलर है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर अ ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर कैसा है ब्लैक है, जब इसमें हाइड्रोजन गैस पास हुई तो क्या बन गया सी यू ब्राउन दोबारा बन गया और रिलीजिंग एच टू ओ, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ ये हमें बताना है। ऑक्सीडाइज कौन सा होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है ऐड होती है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट सी यू ओ जो ब्लैक था कॉपर ऑक्साइड वो रिड्यूस किसमें चेंज हो गया सी यू में, मीन्स ऑक्सीजन क्या हो गया रिमूव हो गया, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव क्या हो गया रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है वो क्या होता है रिड्यूस होता है, वो क्या होता है रिड्यूस। तो ये सी यू ओ क्या हो गया रिड्यूस हो गया, क्या हो गया रिड्यूस। यहां पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था जब प्रोडक्ट साइड में देखा तो वो हाइड्रोजन मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया वाटर में, हाइड्रोजन चेंज इनटू वाटर, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया इसमें ऐड हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन क्या हो गया ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ और रिड्यूस क्या हुआ सी यू ओ। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया इसमें, और एन ए क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिमिलरली एच टू ओ में, एच टू में सी यू ओ प्लस एच टू, सी यू प्लस एच टू ओ, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है सी यू ओ एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो किसका काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और एच टू किसका काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन मोर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की मात्रा ज्यादा एसिड की मात्रा कम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मीन HCl जो है वो कम मात्रा में है और पानी ज्यादा मात्रा में, एडेड टू आयरन फिलिंग, आयरन मीन Fe, Fe जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, इनमें से चार ऑप्शन है आंसर बताना है, Fe आयरन प्लस में HCl दैट गिव्स, तो आयरन जो है HCl के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को हटा देता है तो बनाता क्या है Fe Cl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा ये रिलीज करेगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बैलेंस इक्वेशन ये होगी, 2HCl, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी,
और हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर इसके पास हम क्या ले गए, हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग कैंडल ले गए, क्या ले गए, एक बर्निंग कैंडल। अगर बर्निंग कैंडल इस हाइड्रोजन गैस के पास ले गए तो इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड, क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। व्हेन अ बर्निंग कैंडल, जब एक बर्निंग कैंडल इस गैस के पास ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो पहला आंसर है इसका, ऑप्शन इज फर्स्ट। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन तो आपको पता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब है बराबर, मींस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब क्या हो, बराबर हो। अब बराबर क्या क्या हो, या तो नंबर ऑफ एटम या मास क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मींस नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ साइड, बोथ साइड मींस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जब रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम बराबर हो, प्रोडक्ट साइड की तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट जब नया सब्सटेंस बनता है। अब इसे व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत है, टू फॉलो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, क्योंकि हर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। टू फॉलो, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन सेम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो जनरेट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, और ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसीलिए बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर जो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पानी में डाले जाएं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। एंड चेंज व्हेन आयरन नेल डिप इन इट, कॉपर सल्फेट का कलर जो नीले रंग का है, अगर उसे हम आयरन नेल डाल देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या उसका कलर हल्का हो जाता है, या उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाता है। तो उसका कलर फेड या लाइट ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, और ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आयरन नेल के ऊपर ब्राउन की ब्राउनिश लेयर चढ़ जाती है, कॉपर की जो कलर है वो आयरन नेल के ऊपर चढ़ जाता है, इसीलिए कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फेड हो जाता है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो हल्का हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट की बनने की वजह से उसका कलर फेड हो जाता है। आयरन प्लस CuSO4, आयरन ने कॉपर को हटा दिया तो FeSO4 प्लस में Cu। इट मीन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, व्हाई, बिकॉज, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। अगर यही रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए Cu प्लस FeSO4, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, और कॉपर अगर आयरन से कम रिएक्टिव है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कोई रिएक्शन नहीं होगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसने कहा है कि एक एग्जाम्पल बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन जिसमें आयन ऑफ एक्सचेंज, आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किधर की तरफ, रिएक्टेंट साइड की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने बताया था ए बी, इसमें ये प्लस ये माइनस, प्लस सी डी, ये प्लस ये माइनस, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए किसके साथ आ जाएगा, प्लस डी के साथ, तो ए डी प्लस माइनस, और सी किसके साथ आ जाएगा, बी के साथ, तो सी प्लस सी बी। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना आयन एक्सचेंज कर दिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस ऑन देयर रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में आयन का एक्सचेंज होने को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ये कह रहा है कि अदर देन बैरियम क्लोराइड एंड ये एंड ए बेटे एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, जो बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन का जो बुक में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़ के कोई और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल बताना है। तो कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट NaCl AgNO3 AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट नेगेटिव चार्ज, रिएक्ट किसके साथ, सोडियम क्लोरीन क्लोराइड के साथ, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पर Ag जो सिल्वर प्लस का है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag प्लस और Cl माइनस, और Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 के साथ। तो Na मेरा सोडियम हो गया प्लस चार्ज और NO3 हो गया मेरा नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो गया मेरे पास, सिल्वर क्लोराइड और NaNO3। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा, रिएक्टेंट ऑलवेज, रिएक्टेंट हमेशा क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन होंगे। रिएक्टेंट हमेशा ऑलवेज एक्वस सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, ऑलवेज एक्वस सॉल्यूशन होंगे। लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो एक सॉलिड होगा और एक क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा एक्वस सॉल्यूशन होंगे, दोनों रिएक्टेंट हमेशा एक्वस सॉल्यूशन होंगे, लेकिन प्रोडक्ट में एक एक्वस सॉल्यूशन और एक सॉलिड होगा, सॉलिड मींस पीपीटी। तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक इंसोल्युबल सब्सटेंस बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्युबल सब्सटेंस जब किसी भी रिएक्शन में बनता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज वन मीन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इवॉल्व या हीट रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब। एंड गिव एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज या हीट इवॉल्व होती है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज या हीट इवॉल्व होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व मीन्स प्लस हीट ऑन राइट साइड, मतलब अगर रिएक्टेंट की तरफ प्लस आता है तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। क्विक लाइम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्लेक लाइम बना रहा है और हीट रिलीज कर रहा है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड अगर प्लस हीट आ जाए तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो हीट एब्जॉर्ब और प्रोडक्ट साइड हीट क्या होगा, माइनस। N2+O2 नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ का, जब चेक करिए, देखिए MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट, कौन सा रिएक्शन इनकरेक्ट है, PbO लेड ऑक्साइड, हमारे पास क्या है PbO प्लस में C दैट गिव्स 2Pb प्लस में CO2, ये आ गया 2। तो PbO से मेरा Pb बना, तो मींस ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन। तो PbO से Pb का बनना रिडक्शन रिएक्शन, और PbO मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। और कार्बन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अब जो इनकरेक्ट है उसे चेक करते हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नो, ये गेट लेड क्या है, गेटिंग रिड्यूस, ये हमारा क्या है, गलत है, तो ए इज रॉन्ग।
कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं क्योंकि रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो बी इज रॉन्ग, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ कार्बन जो है रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, राइट। लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, हाँ लेड रिएक्टेंट की तरफ क्या है, लेड ऑक्साइड वो क्या बन गया, लेड बन गया, तो ऑक्सीजन हट गया, तो इसका मतलब लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है, तो आंसर क्या है, विच इज इनकरेक्ट, तो ए और बी इज फर्स्ट आंसर इज राइट, क्योंकि ए और बी गलत है। इसने ये बताया, पूछा है कि कौन सा गलत है, गलत कौन सा है, ए और बी। Fe2O3 plus Al that gives Al2, देखिए Fe2O3 plus में Al that gives Al2O3 और 2Fe, इसका मतलब जब एल्यूमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया और खुद उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन ने कम रिएक्टिव मेटल, नहीं सॉरी मोर रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम ने किसको, लेस रिएक्टिव मेटल आयरन को क्या कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया आयरन को, इसका मतलब आयरन इज मोर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इट इज कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हेयर इज डी, सॉरी हेयर इज डी, यहाँ पर कौन सा आंसर है इसका, डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर, रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग ऑफ फूड, मींस फूड का ब्रेकडाउन होना इनटू सिंपलर फॉर्म। जब हम खाना खाते हैं तो खाना कॉम्प्लेक्स फूड में होता है, और वो खाना खाते हैं जब दैट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज की फॉर्म में या ग्लूकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये जो ग्लूकोज है जब किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडाइज होके जो फूड है वो किस में चला जाता है, सेल ऑफ द बॉडी में चला जाता है। जैसे ही ऑक्सीडाइज फूड इन सिंपलर फॉर्म में जो फूड कन्वर्ट होता है, जब वो सेल में एंटर करता है, तो इट गिव अस एनर्जी, मींस इट रिलीज एनर्जी, इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, कंसीडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, ये क्या है, ग्लूकोज जो सिंपलर फॉर्म है रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो किया दिया कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल, वाटर वेस्ट मटेरियल एंड रिलीजिंग एनर्जी, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज या इवॉल्व होती है, कैसे होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड ग्लूकोज, डाइजेशन के दौरान फूड जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये ग्लूकोज जो है वो किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड देन यहाँ पर सेल ऑफ द बॉडी में चला जाता है, जिससे क्या होती है, रिलीज एनर्जी, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से उल्टे क्यों है, हमें पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड टूटता है, एक कंपाउंड ब्रेक होता है, एक कंपाउंड क्या होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, इसमें टूटता है और इसमें जुड़ता है, इसीलिए ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ज्यादातर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज्यादातर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस टूटता है, किसमें, ए बी टूटता है, किसमें, ए और बी में टूटता है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, जब दो सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक में टूटना, एक में जुड़ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और एक में एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है दो बनते हैं, और कॉम्बिनेशन में दो जुड़कर एक बनता है, एक दूसरे के अपोजिट। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स ब्रेक डाउन अ सिंगल सब्सटेंस इनटू टू और मोर सब्सटेंस एंड एनर्जी सप्लाई हीट,
देखिए सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या की, हीट सप्लाई की, तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसे, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। और उसका एग्जाम्पल दूसरा क्या पूछ रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का, और डिकम्पोज होके कैसा बन जाता है, ग्रे कलर का। डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूटता है और क्या बनाता है, ग्रे कलर ऑफ सिल्वर। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक। क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है किसमें, दो या दो से ज्यादा में, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इज प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। वाटर, वाटर को, वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जब हम वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें एक दो बूंदे हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं ताकि आयन ऑफ एक्सचेंज या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ढंग से हो सके और वाटर क्या हो जाए, टूट जाए। और टूटने के बाद वाटर जो रिलीज करता है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो इट मीन दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तीन टाइप के हैं, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिफरेंस का, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। यह कर चुके हैं, फिर भी देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है डिस्प्लेस करना, हटाना। और हटाएगा कौन, एक हाई रिएक्टिव मेटल। किसको हटाएगा, लो रिएक्टिव मेटल को। लो रिएक्टिव मेटल नहीं हटा पाता, हाई रिएक्टिव मेटल या एक मेटल दूसरे मेटल को हटाता है उसके सॉल्ट, उसके सॉल्यूशन में से, या उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। जैसे आपने पढ़ा आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है, और कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू होता है, और जैसे ही आयरन कॉपर को हटा देता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है, और आयरन रॉड के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब हाई रिएक्टिव मेटल जो है लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा। इसका मतलब आयरन, या एक एग्जांपल और ले लीजिए, ए प्लस बी सी, तो इसका मतलब ए सी प्लस बी। ए ने क्या करा, बी सी के साथ रिएक्ट किया, तो ए ने बी को हटा दिया, बी को अलग कर दिया, और ए किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ जुड़ गया। तो इट मीन ए डिस्प्लेस बी, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब कोई एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से हटा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई बार हम इसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी पीछे क्वेश्चन में भी क्या था, जिस डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जिस रिएक्शन में आयन का क्या हो, रिएक्टेंट की तरफ एक्सचेंज हो, आपस में अदला बदली हो, आयन्स की अदला बदली हो रिएक्टेंट की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस ऑन देयर रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड की तरफ जब आयन आपस में बदल जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जैसे Na2 प्लस चार्ज है, SO2 क्या है, माइनस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें बैरियम क्या है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन क्या है, माइनस चार्ज। तो बैरियम के दो, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉजिटिव है सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। और बैरियम किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ, बैरियम सल्फेट। और ये मैं आपको पहले बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा एक्वस सॉल्यूशन होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से एक प्रोडक्ट सॉलिड होगा और एक प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन होगा। और इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को रिफाइन करना है, सिल्वर को शुद्ध करना है। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेटल राइट द रिएक्शन। तो ये कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, हमारे पास अगर सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3,
AgNO3। तो इसमें से हमने सिल्वर हटाना है, तो सिल्वर कब हटेगा, जब इससे कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, कॉपर यूज किया। क्या किया, कॉपर। तो कॉपर जो है सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। तो कॉपर डिस्प्ले सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट। तो इसने कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया, तो क्या बना, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस में Ag अलग हो गया। तो इट मीन कॉपर डिस्प्ले सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और जिससे क्या होगा, जो सिल्वर हमें मिला अब उसे रिफाइनिंग प्रोसेस में करेंगे, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी पढ़ा आपने, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जिस रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है या जिस रिएक्शन में इनसोल्युबल सब्सटेंस रह जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल सब्सटेंस। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे ज्यादातर क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसमें इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है। इसका मतलब द रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म इज नोन एज डबल डिस्प्ले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी आपने पढ़िए क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। तो इसका मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ और बैरियम सल्फेट के साथ तो एक सब्सटेंस बनाया, बैरियम सल्फेट जो क्या था इनसोल्युबल, जो क्या था प्रेसिपिटेट, और दूसरा सब्सटेंस क्या था एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो गया, इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, द रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें कह रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉपर प्लस O2 दैट गिव्स कॉपर ऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, कॉपर से क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर मेरे पास क्या है HgO और प्रोडक्ट में क्या बन गया Hg, पहले रिएक्टेंट में था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, प्रोडक्ट में जाते ही क्या बन गया मर्करी बन गया। तो क्यों, तो इसका मतलब उसमें से क्या हो गया ऑक्सीजन हट गया, मर्क्यूरिक HgO में से ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अ साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, साइनी ब्राउन, ब्राउन कलर का एक एलिमेंट एक्स है, तो ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है उसका नाम क्या होता है कॉपर है। जब उसको हीट करते हैं एयर में, क्या करते हैं एयर में, एयर AIR एयर, जब उसको एयर में हीट किया मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो वो क्या बन गया ब्लैक सब्सटेंस बन गया CO बन गया। तो वो XO मींस कौन सा सब्सटेंस है, नेम द एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। तो एक्स क्या इसमें कॉपर, एक्स क्या इसमें कॉपर Cu, और ब्लैक सब्सटेंस का नाम क्या है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारे पास जो हमने एक्टिविटी भी की थी वो है। तो इसका मतलब एक्स इज एलिमेंट, एक्स जो एलिमेंट है वो कॉपर है और ब्लैक सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड। और रिएक्शन क्या हो गया Cu प्लस O2 दैट गिव्स 2CuO, और ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द कॉपर, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया जिससे कॉपर का कलर क्या हो गया ब्लैक सब्सटेंस बन गया, उस ब्लैक सब्सटेंस का नाम है कॉपर ऑक्साइड। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, जिस फूड में फैट की मात्रा ऑयल की मात्रा ज्यादा हो तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस फील्ड करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड, जिस फूड में फैट ज्यादा हो, जिस फूड में ऑयल ज्यादा हो और वो जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो फूड क्या होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तब जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो फूड का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और फूड का जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाता है। जब किसी भी ऑयली फूड और फैट कंटेनिंग फूड का टेस्ट चेंज हो या उसका स्मेल चेंज हो तो इसका मतलब हम समझेंगे कि फूड खराब हो रहा है। तो फूड बिकम रैंसिड और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं रैंसिडिटी। तो उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बचाने के लिए या फूड बिकम रैंसिड होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फील करते हैं।
नाइट्रोजन गैस एक तरह से इनर्ट गैस का काम करती है जो क्वाइट अनरिएक्टिव होती है, जैसे हीलियम एक इनर्ट गैस का काम करती है। इस कंडीशन में जो गैस भरी जाती है फैट एंड ऑयली कंटेनिंग फूड में, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक तरह से इनर्ट गैस का काम करती है, कम रिएक्ट ना के बराबर रिएक्टिव करती है, और जिससे जो ऑयली फूड है वो खराब नहीं होता। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में जो खाना है जिसमें फैट और ऑयल की मात्रा है वो क्या होता है, खराब होने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो फूड बिकम रेंसिड, और फूड में स्मेल और टेस्ट चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, रेंसिड, खराब होने लगता है, बैड स्मेल। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम। नाइट्रोजन जो उसमें भरते हैं वो क्या करता है, वो रिएक्ट नहीं करता जो उसके अंदर फूड है, जिसमें ऑयल है और जिसमें फैट है। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट दैट फूड विच कंटेन ऑयल एंड फैट। जब वो क्या कहते हैं, रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से वो बचा देगा। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल, आयरन Fe, जो क्योंकि आयरन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, कोरोड होने लग जाता है। कोरोड भी उसके अंदर जंग लगने लगता है, और जब जंग लगने लगता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन पाउडर की लेयर चढ़ जाती है, ब्राउन पाउडर की लेयर चढ़ जाती है, और वो ब्राउन पाउडर की लेयर का मतलब है आयरन रॉड या आयरन मेटल का खराब होना, और इसे हम कोरोजन बोलते हैं। लेकिन कोरोजन ऑफ आयरन को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उस रस्टिंग से बचाने के लिए, आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, और पेंट एयर के कॉन्टेक्ट में आता है और ना कि आयरन मेटल एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। जैसे ये आयरन रॉड है, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया, तो ये जो पेंट है ये जो है एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, आयरन जो है एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। तो पेंट किसे करते हैं, ताकि आयरन एयर की कॉन्टेक्ट में ना आ सके, और वो एयर को और आयरन को सेपरेट कर सके, कौन, पेंट। इसलिए क्या ना, इसलिए आयरन रॉड जो है कोरोड नहीं होती जब उसमें हम पेंट करने लगते हैं। टू प्रिवेंट, तो इसका मतलब आयरन रॉड में हम पेंट क्यों लगाते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को जंग से बचाने के लिए, आयरन को जंग से बचाने के लिए। आयरन आर्टिकल डू नॉट कम कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्ट एयर, पेंट कर दिया तो आयरन रॉड जो है एयर, मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। जब मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल इच, कोरोजन एंड डेंसिटी। एग्जाम्पल बताने कोरोजन के, डेंसिटी के। कोरोजन मीन्स जब कोई भी एलिमेंट एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, आराम आराम से खराब होने लगता है। तो खराब होने के बाद वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होने लगती है। इसको हम बोलते हैं कोरोजन। मीन्स स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का आराम आराम से खराब होना, व्हेन इट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। जैसे ही वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो मेटल धीरे 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 खराब होने लगता है। जब मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है, इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और जैसे आयरन अगर कोरोड हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ब्राउनिश पाउडर की लेयर चढ़ जाएगी आयरन के ऊपर, ब्राउनिश लेयर चढ़ जाएगी, और जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर सिल्वर के अंदर कोरोजन है तो सिल्वर जब कोरोड जंग लगता है तो एक ब्लैक सब्सटेंस बनाता है सिल्वर। एयर में जो सिल्वर है, एयर में जो गैस है, वो कौन सी गैस है जो सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है, वो कौन सी है, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, ब्लैक सब्सटेंस, वो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड। इसका मतलब HgAg2S, सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर, जो काले रंग में है, और ये काला रंग जो किसके ऊपर आया, चांदी के ऊपर आया, तो इसका मतलब चांदी के ऊपर जो है क्या लग गया, कोरोजन हो गया, जंग लग गया। तो इसमें कोरोजन ऑफ किसका, सिल्वर, फॉर्म ए ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड। जबकि आयरन में जो जंग लगता है वो ब्राउन सब्सटेंस का बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी आपने कॉपर का भी है, कॉपर में भी कोरोजन होता है, यस्टी कॉपर में भी कोरोजन होता है। अगर कॉपर के बर्तन को अगर हम 2-3 दिन तक ना धोए, ना साफ करें, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक ग्रीन लेयर चढ़ जाएगी, एक हरी सी परत चढ़ जाएगी। वो जो हरी सी परत अगर चढ़ रही है तो इसका मतलब कॉपर का बर्तन खराब हो रहा है, उसके ऊपर कोरोजन हो गया, और वो ग्रीनिश लेयर का नाम है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। दीज आर द एग्जाम्पल। आयरन कोरोजन का मतलब है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्राउन इन कलर। सिल्वर में कोरोजन का मतलब है ब्लैक सब्सटेंस, और सिल्वर सल्फाइड एयर में किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर में कोरोजन ग्रीन इन कलर, हरे रंग का, और
उसके अंदर उस कंपाउंड जो बनाता है वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट का। स्लो डिस्ट्रक्शन, कोरोजन की डेफिनेशन, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन इट कम इन द कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट एयर। जैसे ही मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में एलिमेंट आता है तो वो धीरे 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 नष्ट होने लगता है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर या ब्राउनिश कोटिंग ऑफ आयरन। फिर उसके बाद क्या है रेंसिडिटी, अभी आपने पढ़ा जैसे ही फूड ऑयल कंटेनिंग फूड, जिस फूड में ऑयल की मात्रा ज्यादा हो, जिस फूड में फैट की मात्रा ज्यादा हो, जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो फूड क्या होने लगता है ऑक्सीडाइज होने लगता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है उसका टेस्ट, उसकी स्मेल चेंज होने लगती है। दैट मीन उसका मतलब ये हो गया कि फूड बिकम रेंसिड, खराब हो रहा है, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो रहा है। जब फूड फैट और ऑयल फूड कंटेनिंग, जिस फूड में ऑयल हो, जिस फूड में फैट ज्यादा मात्रा में हो, अगर उनके अंदर स्मेल चेंज हो रही है, उनके अंदर टेस्ट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फूड खराब हो रहा है, तो फूड बिकम रेंसिड। और उसी को हम, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द फिनोमिना इन विच द ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज एंड द फूड टेस्ट ऑफ फूड और स्मेल ऑफ फूड विल चेंज, और इसको हम क्या बोलते हैं रेंसिडिटी, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेंसिडिटी। ये हमारे चैप्टर के ब्लू बॉक्स के और टेस्ट बुक जो लास्ट में क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज। और हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो मैथ का करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई ग्राफ होगा, ग्राफ आपको बता दिया, और इसमें जो ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में फिर भी एक नई वीडियो बना देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वैसे बना रखी है, थोड़ा सा मेजरमेंट करने में इसका स्केल से और हैंड स्केच करने में थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो वी विल सॉल्व नेक्स्ट टाइम 3.2 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल फ्रॉम साइंस। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस।